क्षत्रियों जैसा तुम्हारा भेष है, धनुष बाण लिए आपका शरीर अत्यंत कोमल है और इस कठिन दुर्गम वन में आप क्यों फिरते हैं? तब भगवान कहते हैं, हम कौशलपुर के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं और उनके वचन मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास आए हैं। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनवाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। कहने लगते हैं कि हम कौशल्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण हमारे नाम हैं और उनके वचनों को मानकर 14 वर्ष के वनवास के लिए आए हैं और यहाँ वन में हमारी प्रिय पत्नी को राक्षसों ने हरण कर लिया है और उन्हीं को खोजते हुए हम यहाँ फिर रहे हैं और जब हनुमान जी महाराज को यह पता चलता है कि अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम हैं, प्रभु पहचान परे उगहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहने लगते हैं कि हनुमान जी महाराज ने जब अपने प्रभु को पहचान लिया तो पहचान कर उनके पैरों में गिर जाते हैं, जय श्री राम जय सिया राम कहने लगते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, और मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। प्रभु को देखकर, अपने आराध्य इष्ट भगवान को देखकर हनुमान जी महाराज अत्यंत पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं, मोर न्याओ में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। तब भगवान रामचंद्र जी पूछने लगते हैं कि आप कौन हैं? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, आप सर्वस्व जानते हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी आप अनजान बनकर पूछ रहे हैं और कहने लगते हैं, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विसार्यो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं ही मंदमती हूँ, दूसरा मोह के बस में हूँ और मेरा हृदय कुटिलता और अज्ञानता से भरा हुआ है और फिर भी हे महाराज, आपने मुझे नहीं भुलाया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे। हे नाथ, मैं अवगुणों की खान हूं, मनुष्य भी नहीं हूं, पशु बानर स्वरूप में हूं और आपकी ही कृपा से यह देह पाकर आपका भजन करता हूं, आपका चिंतन करता हूं। तब हनुमान जी महाराज इस तरह बार बार विनती करते हुए सुग्रीव जी महाराज के बारे में बताते हैं और कहने लगते हैं, प्रभु आप मेरे साथ चलिए और सुग्रीव महाराज से मित्रता कर लीजिए और वह अवश्य ही
आपको सीता जी की खोज में सहायता करेंगे। तेहि सननाथ मैत्री कीजे, दीन जानते हैं अभय करीजे। सुग्रीव महाराज आपको दूर से देखकर भयग्रस्त हैं, उनको दुख सता रहा है कि कहीं बाली ने ही तो मारने के लिए आपको नहीं भेजा है, इसलिए आप हमारे साथ चलिए और उनका भय दूर कीजिए। तब हनुमान जी महाराज राम जी की आज्ञा पाकर दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। यह विधि सकल कथा समझाई, लिए दूजन पीठ चढ़ाई। दोनों जनों को अपने पीठ पर कंधे पर बिठाकर हनुमान जी महाराज चलते हैं। और जैसे ही सुग्रीव महाराज के पास पहुंचते हैं, सुग्रीव महाराज को अपना सारा वृतांत सुनाते हैं और सुग्रीव महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहने लगते हैं, हे भगवान, एक बार हम सभी इसी पर्वत पर बैठे हुए थे, तब आकाश मार्ग से रावण आपकी पत्नी श्री जानकी जी को हरण करके ले जा रहा था और जानकी जी ने अपने कुछ वस्त्र आभूषण आपका नाम ले लेकर नीचे गिरा दिए थे। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवस परी बहुत बिल पाता। आकाश मार्ग से ले जाते हुए मैंने देखा कि वो अत्यंत रुदन कर रही हैं, रो रही हैं और आपका नाम लेकर उन्होंने जो वस्त्राभूषण और कपड़े डाले हैं वो मैं आपको लाकर दिखाता हूँ। तब सुग्रीव महाराज ने, जानकी जी ने जो वस्त्राभूषण और कपड़े गिराए थे वो लेके आ जाते हैं और भगवान उन वस्त्रों को पहचानकर, उन आभूषणों को पहचानकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तब भगवान श्री राम जी पूछने लगते हैं कि हे महाराज सुग्रीव, आप इस पर्वत पर किस कारण से रहते हैं? तब सुग्रीव महाराज अपना सारा वृतांत सुनाते हैं। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। हे नाथ, हे भगवान, मैं और बाली दोनों भाई थे, दोनों में अत्यंत प्रेम था और उस प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन अर्धरात्रि में एक मायावी दैत्य अर्धरात्रि में हमारे महल के द्वार पे आया और बाली को ललकारते हुए, बाली का नाम लेते हुए बाहर युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब बाली तो अत्यंत बली था और उसको वरदान था कि जो भी उससे युद्ध करता है उसका आधा बल बाली में आ जाता है और इसलिए बाली और भी निर्भय था। अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। पर बाली के द्वार पर जब उस मायावी दैत्य ने आवाज लगाई युद्ध के लिए, ललकारा, तो बाली तुरंत युद्ध के लिए बाहर निकल पड़ता है क्योंकि वो तो महाबली है, डरता भी नहीं। फिर दोनों युद्ध करते हुए एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और बाली के साथ मैं भी था और जब हम युद्ध करते हुए बाली गुफा के अंदर प्रवेश कर गया और बाली ने कहा कि तुम यहाँ रहकर एक पखवाड़ा यानी 15 दिन तक हमारा इंतजार करना,
और यदि 15 दिन तक हम ना आए तो समझ लेना कि मैं मर गया हूँ। वो बाली इस तरह कहते हुए उस मायावी दैत्य के साथ युद्ध करते हुए उस गुफा में प्रवेश कर गए। तब सुग्रीव महाराज कहते हैं कि हे राम जी, मैं 15 दिन की बजाय 1 महीने तक उस गुफा के द्वार के बाहर खड़ा रहा, लेकिन बाली नहीं आया। तब मैंने समझा, मास दिवस तह रहो खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। एक मास तक खड़ा रहने के बाद गुफा के अंदर से भयंकर रक्त की धार बहने लगी। तब मैंने सोचा कि निश्चित ही बाली का वध हो गया है, और उस मायावी दैत्य के भय से बाली हतिस मोह मार आई, सिला दे तह चलो पराई। जब मैंने समझ लिया कि बाली का वध हो गया है और वो अब आके मुझे भी मार देगा, तो उसके भय से मैंने उस गुफा के को एक सिला लेकर उस गुफा के द्वार को बंद कर दिया, ताकि वह दैत्य बाहर ना आ सके, और अपने राजभवन में आकर मंत्रियों सहित अपना राजपाठ संभालने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद बाली उस मायावी दैत्य को मारकर वापस राजमहल आता है, और मुझे राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाता है। सोचने लगता है कि इसने मुझे मरवाने के लिए गुफा का द्वार बाहर से बंद कर दिया, और ऐसा विचार करके वो आते ही मुझे मारने लगा। रिपु सम मोह मार से अति भारी, हर लीन से सर्वसो अरुणारी, और मुझे मारकर राजभवन से बाहर भगा दिया। मेरा जो कुछ भी था सब छीन लिया, और मेरी पत्नी को भी छीन लिया। हे दीनदयाल, हे भगवान, इस पर्वत पर मतंग ऋषि का श्राप होने के कारण बाली नहीं आता है, और इसीलिए मैं निर्भय होकर इस पर्वत पर रहता हूँ। राम जी ने जब सुग्रीव महाराज की सारा वृतांत सुना तो कहने लगते हैं कि अब तुम निर्भय होकर रहो, मैं बाली का अवश्य वध कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तब सुग्रीव कहने लगते हैं, हे महाराज, हमारे महल से कुछ दूरी पर एक सरोवर है, उस सरोवर के किनारे 7 ताड़ के वृक्ष लगे हुए हैं, जो भी एक ही तीर में उन 7 वृक्षों को छेद देगा वही बाली का वध कर सकता है। तब भगवान ने कहा, चलिए हमें वह वक्त वृक्ष दिखाइए, और सुग्रीव उन वृक्षों के पास महाराज रामचंद्र जी को लेके जाता है, और भगवान राम एक ही तीर अपने धनुष पर चढ़ाते हैं और एक ही तीर से उन 7 वृक्षों को छेद देते हैं। और बाली सुग्रीव को निर्भय कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम जाओ और सुग्रीव से युद्ध करो, युद्ध के लिए ललकारो, मैं पीछे से तुम्हारी सहायता के लिए आता हूँ। तब सुग्रीव महाराज हाथ में गदा लेकर राजमहल के बाहर बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं,
और जैसे ही सुग्रीव की ललकार बाली के कानों में पड़ती है तो बाली तो इसी अवसर में था कि कब सुग्रीव उस पर्वत से दूर आवे और हम इसको मार सकें। और जैसे ही बाली ने सुग्रीव की आवाज़ सुनी वह तुरंत अपने हाथ में गदा लेकर दौड़कर अपने भवन से बाहर आ जाता है और दोनों में युद्ध होने लगता है। लेकिन सुग्रीव महाराज कहाँ बाली के सामने टिकने वाले थे। बाली ने सुग्रीव महाराज की अच्छी पिटाई लगाई। अब भगवान राम छुपे छुपे यह चरित्र देख रहे थे, दोनों का युद्ध देख रहे थे। लेकिन भगवान को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव, क्योंकि दिखने में दोनों एक जैसे थे। जब भगवान को यह संशय बना रहा तो उन्होंने बाण भी नहीं चलाया और इतने में सुग्रीव की अच्छी पिटाई हो गई। अब जैसे तैसे अपने प्राण बचा के सुग्रीव वहाँ से भागते हैं और दौड़े दौड़े भगवान के पास आते हैं। कहते हैं, हे भगवान, आपने तो मुझे मृत्यु के पास भेज दिया था, आप निश्चित ही मेरे प्राण लेना चाहते हैं। तब भगवान कहने लगते हैं, एक रूप तुम भ्राता दोई, तुम दोनों एक ही रूप के हो, ते ही भ्रमते नहीं मार्यों सोई। और इसी भ्रम के कारण मैंने तीर नहीं चलाया है। और भगवान सुग्रीव के शरीर को स्पर्श करते हैं और जैसे ही उसके शरीर को स्पर्श करते हैं उसके शरीर में जो भी चोटें आई हैं, जो भी पीड़ा है, वो सारी पीड़ा और चोटें समाप्त हो जाती हैं, सारा दर्द खत्म हो जाता है। और फिर भगवान एक फूलों की माला बनाकर सुग्रीव महाराज के गले में डालते हैं और कहते हैं कि अब तुम जाओ और बाली को फिर से युद्ध के लिए ललकारो। तब सुग्रीव महाराज कहने लगते हैं, हे राम जी, उस बार तुम्हें बच गया था, इस बार समय से तीर चलाना, नहीं तो निश्चित ही बाली मेरे प्राण ले लेगा। तब भगवान कहते हैं कि तुम निर्भीक होके जाओ, मैं इस बार निश्चित ही प्राण चलाऊंगा। और जब सुग्रीव फिर से अपना गदा लेकर और बाली महाराज को ललकारने के लिए जाता है और भवन के बाहर फिर से बाली को ललकार लगाई और बाली ने जैसे ही सुग्रीव की वाणी सुनी फिर से अपनी गदा लेकर भागता हुआ आता है और कहता है कि पिछली बार तो तू जीवित बच गया था, इस बार तुझे जीवित नहीं जाने दूंगा। और दोनों में फिर से युद्ध होने लगता है और भगवान छुपे हुए दोनों का युद्ध देख रहे हैं। युद्ध करते करते भगवान ने वृक्ष की ओट से अवसर जानकर एक तीर मारा और वो तीर जाके सीधा बाली के हृदय में लगा। और जैसे ही तीर लगा, तीर लगते ही बाली भूमि पर गिर पड़ा। और जैसे ही बाली भूमि पर गिरा भगवान उसके सामने पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वह भगवान को देखता है और भगवान के स्वरूप को देखता है, उन्हीं को देखता रह जाता है और कहने लगता है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहे मारा। हे नाथ, आपके लिए सारी सृष्टि सारा जगत समान है, लेकिन यहाँ आपने भेदभाव किया है। आपके लिए सुग्रीव प्यारा है और मैं बैरी के समान हूँ, मुझे आपने क्यों मारा है। तब भगवान कहते हैं कि मुझे प्रिय सब हैं, किंतु उनके आचरण भी अच्छे होने चाहिए। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी।
इन्हें कुदृष्टि बिलो कै जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। अनुज बधु यानी छोटे भाई की पत्नी, भगनी यानी माता, पुत्र और नारी, इन चार को जो भी बुरी दृष्टि से देखता है, इन्हें कुदृष्टि बिलो कै जोई, इन पे जो बुरी नीयत रखता है, बुरी दृष्टि से देखता है, उनको मारने में कोई अपराध नहीं है। ताहे बधे कछु पाप न होई, इनको मारने में कोई पाप नहीं है। मूढ़ तुहे अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। तुझे अपने बल का बहुत अभिमान था और उसी अभिमान के बल पर तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को हरण किया है, अपने पास रखा है, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा है। तब बाली कहने लगता है, सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर, प्रभु अज हूँ मैं पापी, अंत काल गति तोर। हे प्रभु, आपके सामने मेरी कुछ भी चतुराई नहीं चल सकती, मैं आज पापी हूँ, लेकिन अंत समय में आपका दर्शन और आपके हाथों मृत्यु मिलने के कारण मुझे परम गति मिलेगी। तब भगवान बाली के ऐसे सुंदर वचन सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और बाली को परम गति देते हैं। और बाली भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे भगवान, मेरे पुत्र अंगद को आप अब अपनी शरण में रखिए। और जब बाली के बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धर्यो मम काजू। और तारा जो कि बाली की पत्नी है, वो विकल होकर जब उसे समाचार मिलता है कि बाली का वध हुआ है, बाली को भगवान ने मारा है, तो वह रोती बिलखती हुई आती है और भगवान उससे क्षमा याचना करने लगती है, प्रार्थना करने लगती है। तब भगवान अपनी माया से उसका मोह का नाश कर देते हैं। और सुग्रीव को अभय करके किष्किंधा का राजपाठ अंगद सहित सुग्रीव को सौंप के भगवान स्वयं पर्वत की ओर चले आते हैं और कहते हैं, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाए। वर्षा ऋतु बीतने के बाद आप मेरे पास आना, फिर हम मिलकर माता सीता जी की खोज करेंगे। और यहाँ भगवान हनुमान जी सहित लक्ष्मण जी को साथ लेकर वापस पर्वत पर आकर रहने लगते हैं। लेकिन सुग्रीव महाराज राजकाज में फंसे हुए सब भूल जाते हैं। और यहाँ बरसा बिगद शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। बरसा ऋतु बीत जाने के बाद शरद ऋतु आ जाती है, लेकिन सुग्रीव को याद भी नहीं आता कि हमें प्रभु के काज के लिए जाना है।
तब लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आता है। जहि सायक मारा मैं बाली, तहि सरहतों मूड़ कहें काली। लक्ष्मण जी महाराज राम जी से कहने लगते हैं, हे प्रभु, सुग्रीव ने अपना कार्य विसार दिया है, स्वयं राजमद में मस्त हो गया है, उसे आपके कार्य की चिंता नहीं है। और भगवान भी विकल होकर कहने लगते हैं कि यदि सुग्रीव को मद आ गया है और वो यदि नहीं आता है, तो जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी एक बाण से सुग्रीव के भी प्राण ले लूँगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा, जहि सायक मारा मैं बाली, तहि सर हतों मूड़ कहें काली। काली यानी कल। और भगवान ने कल का क्यों कहा, क्योंकि लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा था, और यदि लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते तो वो तो जो करना है आज ही और अभी करने वाले हैं, वो आज ही जाकर सुग्रीव को दंड दे सकते थे, उसे मार सकते थे। इसलिए भगवान ने पहले ही कि लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित ना हो जाएं, उसके पहले ही मैं आज की बात कल पे टाल देता हूँ। पर कल का कहकर भगवान लक्ष्मण जी सहित हनुमान जी के पास पहुँचते हैं। हनुमान जी पहुँचते हैं, यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। यहाँ हनुमान जी के मन में भी आता है कि बाली ने, सुग्रीव ने राम जी के काज को विसार दिया है, उनके कार्य को विसार दिया है। तब सुग्रीव के पास सूचना पहुँचती है, सुग्रीव सुनो हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। तारा सहित सुग्रीव, अंगद इत्यादि सब को साथ लेकर हनुमान जी महाराज राम जी की शरण में पहुंचते हैं। और भगवान के पांव पखार कर उनकी पूजा करके क्षमा याचना करते हैं। और सोचने लगते हैं कि अब कैसे भगवान का कार्य किया जाए, सीता जी की खोज कैसे की जाए। हम सीता के सुध लीने बिना, नहीं जय हैं जुबराज प्रवीना। अस कहे लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ नसाई। सारे बानर अंगद जी, हनुमान जी सहित, सुग्रीव सहित दुखी बैठे हैं और सोचने लगते हैं कि हमने अभी तक भगवान का काज नहीं किया है, और किस मोह से भगवान को अपनी शक्ल दिखाएं, कैसे अपना चेहरा दिखाएं। और जब तक सीता जी का पता नहीं चल जाएगा, जब तक हम भगवान के सामने कैसे चले जाएंगे। इस प्रकार अनेक अनेक उनके मन में द्वंद्व हैं, सोचते जा रहे हैं। फिर कोई कहता है कि ये 7 योजन का सागर है, इस 100 योजन का सागर है, इसको कैसे पार किया जाए। कोई कहता है मैं इसको पूरा पार नहीं कर सकता। तो कोई कहता है कि मैं जा सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता हूं। अंगद जी कहते हैं, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। जा तो सकता हूं लेकिन आने में संशय है। तब जामवंत जी कहने लगते हैं, जामवंत कहे तुम सब लायक, पठिए किमि सब ही कर नायक। आप सब कुछ करने योग्य हैं, लेकिन जिसका बल उन्हें जगाना था,
उनको पुकारते हुए जामंत जी महाराज कहने लगते हैं, कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। और हनुमान जी की ओर देखते हुए कहते हैं कि ऐसा अवसर आ जाने के बाद भी आप चुपचाप बैठे हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि पवन के समान तुम्हारा वेग है, अत्यंत बल के धाम हो, ऐसा कौन कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता, और आपका राम काज के लिए ही तो अवतार हुआ है। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने इतना सुना कि राम काज के लिए हमारा अवतार हुआ है, तो राम काज लग तब अवतारा, सुनत है भयउ पर्वताकारा। और पर्वतों के समान विशाल रूप ले लेते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और